वेलकम टू इमोर्टल्स ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग बात करेंगे राइफलमैन जीवन गुरुंग के बारे में। जीवन गुरुंग का जन्म 11 अप्रैल 1994 में वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनका पिताजी का नाम है श्री किरण गुरुंग और माताजी का नाम है श्रीमती पूनम गुरुंग। राइफलमैन जीवन गुरुंग ने भारतीय सेना में 2014 में ज्वाइन किया था। उनका रिक्रूटमेंट गोरखा राइफल रेजिमेंट में हुआ था। ये एक भारतीय सेना का एक ऐसा रेजिमेंट है जो अपने अदम्य साहस और साहसी योद्धा के लिए बहुत प्रचलित है। 2019 तक उन्होंने अपने सर्विस का 4 साल पूरे कर चुके थे और इसी दौरान उन्होंने बहुत ऑपरेशन और फील्ड ऑपरेशन में भी हिस्से ले चुके थे। राइफलमैन गुरुंग का समाज सेवा के प्रति बहुत झुकाव था और इसीलिए वो अपने गांव में बहुत चहेते भी थे। 2019 में राइफलमैन जीवन गुरुंग के यूनिट को रजौरी डिस्ट्रिक्ट जो कि जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर तैनात कर दिए गए थे और आगे का पोस्ट उनके नौशेरा सेक्टर के LOC में थे। नौशेरा सेक्टर में अधिकतर सीज फायर वायलेशन और आतंकवाद घुसपैठ का मामला बहुत ज़्यादा देखा गया और जब भी कोई घुसपैठ होता था उसी दौरान हैवी आर्टिलरी शेलिंग पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम के द्वारा सपोर्ट दिया जाता था। वैसे ही एक मौके के दौरान पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम IED जो कि एक एक्सप्लोसिव डिवाइस है बॉर्डर के सामने प्लान कर दिए थे कि जब भी कोई भारतीय सेना बॉर्डर के सामने पेट्रोल करे तब वो विस्फोट हो जाए। IED ब्लास्ट के तुरंत बाद एक बड़ा सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था भारतीय सेना की ओर से और इसी ऑपरेशन का लीडरशिप दिया गया था मेजर नायर को और राइफलमैन गुरुंग इसी ऑपरेशन का एक हिस्सा था। और लगभग दोपहर को 3 बजे और एक IED ब्लास्ट में मेजर नायर और राइफलमैन गुरुंग बुरी तरीके से जख्मी हो गए और जल्द से जल्द उन लोगों को सामने एक हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन हॉस्पिटल में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। राइफलमैन गुरुंग बहुत पराक्रमी सिपाही थे और 24 साल की उम्र में ही वो सर्वोच्च बलिदान दे दिए अपने देश के लिए। जय हिंद।